इसके बाद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के परिजन और बहुत ही लायक और भाई परिजन और आलिम रब्बानी इशाअतुल जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हमारे शेखुल जामिया एक इमामा और एक आशा बतौर हदिया पेश फरमा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर जनाब मुनव्वर जमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनके जो आज तारुफ की मोहताज नहीं उनकी खिदमत में भी एक आशा और एक इमामा हमारे शेखुल जामिया दामत बरकातुहुल आलिया पेश फरमा रहे हैं। हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया को भी हजरत शेखुल जामिया की तरफ से और अपने दस्ते मुबारक से एक आशा और एक इमामा पेश किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के परिजन और बहुत ही लायक और भाई परिजन और आलिम रब्बानी इशाअतुल जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हमारे शेखुल जामिया एक इमामा और एक आशा बतौर हदिया पेश फरमा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर जनाब मुनव्वर जमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनके जो आज तारुफ की मोहताज नहीं उनकी खिदमत में भी एक आशा और एक इमामा हमारे शेखुल जामिया दामत बरकातुहुल आलिया पेश फरमा रहे हैं। इसके बाद हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया को भी हजरत शेखुल जामिया की तरफ से और अपने
के दस्ते मुबारक से एक आशा और एक इमामा पेश किया जा रहा है।